जिसे एनसी पुट्टी भी कहते हैं या सैलो कोट कहोगे तो भी ये मिल जाएगा नॉर्मली किसी भी पेंट की दुकान पे। पेंट माने अस्तर मारने के बाद उसको जहाँ जहाँ रफ हो या ऊपर नीचे हो उसके अच्छे पेपर से, ये 220 का वाटर पेपर है, ये भी पेंट की दुकान से मिल जाएगा इसलिए 20 से 25 रुपये का मिलेगा। यहाँ पे काफी रफ है इसे अच्छे से पेपर से खींचना पड़ेगा, ज्यादा जोर से मत देखिएगा नहीं तो कलर वहाँ से निकल जाएगा। आप पानी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस फिनिशिंग आ चुकी है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है, नीचे की तरफ खुली रहेगी उसको मार लेते हैं। पेपर मार के कंप्लीट हो गया, अभी कहीं भी कोई भी रफ पार्ट नहीं रह गया है, कहीं भी रफ नहीं रह गया। पैनल और कॉल देखें पैनल पे भी मार लीजिए दोस्तों, ऐसे ही ये भी ज्यादा जोर से नहीं मारना है क्योंकि ये प्लास्टिक, मारने के बाद एक बार चेक जरूर कर ले। पैनल हो चुका है, अब बारी है कवर में, ये भी कर लेते हैं, ये भी ज्यादा जोर जोर से नहीं मारेंगे, उनके हाथ से मारना है। सेम पेपर यूज कर सकते हैं हर जगह, थोड़ा पानी लगा लीजिए। यहाँ हो गया हमारा पेपर मार के कंप्लीट, अभी कहीं भी थोड़ा भी रफ नहीं है, अभी इसको हम सुखा लेते हैं फिर मारेंगे कलर, तो देखते हैं। सही करके हो गया, फिर मारते कलर हल्का हल्का मान लीजिए ताकि कलर लटक या बह ना जाए। देखिए दोस्तों हो गया एकदम नए जैसा, अब बारी है पैनल की, अभी एक एक करके ये दोनों पैनल भी मार लेंगे। रखिए दोस्तों जहाँ जहाँ कचरा उचरा लग गया है तो उसे साफ कर ले, मट्टी उट्टी नहीं तो मट्टी कलर पे आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब बारी है कावल की, अपनी कावल पे मारते हैं ये आकृति से, हर जगह चेक कर लेंगे हम कहीं रह ना जाए, अगर कहीं धूल या मिट्टी रह गई तो उसको तो कलर पड़ जाएगा तुरंत, तो ध्यान से चेक कर लेना। थोड़ा थोड़ा पहले मान लीजिएगा कॉल पे भी, नहीं पे भी अगर बहुत जल्दी लटक जाता है या फिर उसमें बबल्स आ जाता है, इस तरीके से आप मारिएगा कलर तो कहीं फटेगा नहीं।